हेलो गाइस, तुम भी बनना चाहते हो एक प्रो प्लेयर जैसे तुम इजीली एनिमी को मार पाओगे? क्योंकि यार एक प्रो प्लेयर ही एनिमी को मार पाता है। और तुम अगर एक प्रो प्लेयर बन जाते हो तो तुम इजीली एनिमी को मार दोगे, वो चार बंदे क्यों ना हो। और जो नूब प्लेयर्स होते हैं उनका एक बंदा मारने में ही दम निकल जाता है, तो इसलिए सब बंदे प्रो प्लेयर होना चाहते हैं। तो यार जरूर आज की वीडियो के बाद तुम एक प्रो प्लेयर बन जाओगे और तुम्हारा जो गेम प्ले स्किल है उसको बढ़ा पाओगे। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और तुम अगर चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे फ्री फायर में दो तरीके के फाइट होते हैं, एक है शॉर्ट रेंज और एक है लॉन्ग रेंज। तो इन दोनों में अगर तुम अच्छा परफॉर्म कर जाते हो तो तुम एक प्रो प्लेयर बन जाओगे, क्योंकि यार बाकी मुझे पता नहीं है और कोई भी फाइट होता है, और अगर पता है तुम्हें तो कमेंट कर देना। तो चलो आज हम मेनली बात करने वाले हैं कैसे आप शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज फाइट जीत पाओगे, मतलब समझ लो बहुत ज्यादा खतरनाक वाला गेम प्ले कर पाओगे इन दोनों फाइट्स में। तो चलो पहले हम बात करने वाले हैं कैसे आप लॉन्ग रेंज में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो चलो हमारे पहले नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास एक अच्छा लूट होना चाहिए। तो देखो लूट में तुम्हारे पास एक अच्छा वेस्ट हेलमेट और ग्लू वॉल होना चाहिए, और उसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास एक अच्छा गन होना चाहिए। तो देखो अच्छे गन में तुमको हाई डैमेज वाले गन यूज करना है, लाइक AWM, SVD, SKS, फुट पैकर। तो देखो ऐसे आपको हाई डैमेज वाले गन यूज करना है जिससे तुम एनिमी को 4-5 MO में मार पाओ, क्योंकि यार ये बात नहीं है हर वक्त हेडशॉट ही लगे। और तुम अगर स्कार, M4A1 ये सब गन यूज करोगे तो ये सब गन का जो डैमेज होता है वो कम होता है। तो ये सब गन में आपको हेडशॉट मारना पड़ता है, नहीं तो तुम इजीली एनिमी को नहीं मार पाओगे। बट तुम अगर हाई डैमेज वाला गन यूज करोगे तो तुम विदाउट हेडशॉट ही एनिमी को इजीली मार सकते हो, इसलिए तुम अगर हेडशॉट ना भी मारते हो तो एनिमी इजीली मर जाता है। यार इसलिए ट्राई करो जो गन में ज्यादा डैमेज होता है उस गन को यूज करने का, क्योंकि यार तुम में से जो लोग भी अच्छे से हेडशॉट नहीं मार पाते हैं, नहीं तो हेडशॉट ना बराबर लगते हैं, तो उनके लिए जो ट्रिक है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलो हमारे सेकंड नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो तुम में से बहुत सारे लोग का ड्रैग हेडशॉट कम लगता है, बट यार ये जो ड्रैग हेडशॉट है वो वन टैप से भी बहुत ज्यादा इजी होता है, इसलिए यार ड्रैग हेडशॉट सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। एनिमी जिस साइड पे भी रन कर रहा होगा तब का जब फायर बटन होता है उस साइड पे थोड़ा सा ड्रैग कर दो, और यार ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए तुम्हारा जो सेंसिटिविटी है उसको हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि यार ड्रैग हेडशॉट में तुम्हारा जो सेंसिटिविटी होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और फायर करने के वक्त आपका जो फायर बटन होता है उसका पूरा ड्रैग करना पड़ेगा। तो यार देखो ना ड्रैग हेडशॉट मारना बहुत ज्यादा सिंपल होता है, और यार ओनली कुछ कुछ बंदे को थोड़ा मुश्किल लगता है। तो देखो ड्रैग हेडशॉट सीखने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप बहुत ही आराम से सीख पाओगे, इसलिए यार आपको ड्रैग हेडशॉट तो कम से कम आना ही चाहिए। तो चलो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो लॉन्ग रेंज में तुम्हारा जो गन होता है उसका जो रिकॉइल है उसको तुमको खुद ही कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा गन अगर रिकॉल करेगा तुम्हारा जो एमओ होगा वो एनिमी के बॉडी पर टच ही नहीं होगा। तो देखो यार इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो यार उसको चेकआउट कर सकते हो। तो यार देखो तुम अगर चाहते हो गन में ज्यादा रिकॉल ना हो तो तुम्हारे जो एमओ होंगे उनको कम फायर करना है, इससे आपका जो एम होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा और आपका जो रिकॉल होगा वो कंट्रोल पे रहेगा। तो देखो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है तब इजीली लॉन्ग रेंज फाइट जीत पाओगे। तो देखो लॉन्ग रेंज के बाद आता है हमारा शॉर्ट रेंज। तो यार चलो हमारे शॉर्ट रेंज का पहला नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यार देखो इसमें भी हमारा पहला आता है लूट। तो देखो लूट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लूट तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, और यार यहाँ पे भी आपको गन पे सिलेक्ट करना है हाई डैमेज वाले गन, मतलब यार शॉर्ट गन ले लो, क्योंकि यार विदाउट लूट आप अच्छे से शॉर्ट रेंज में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इसलिए यार आपके पास एक अच्छा लूट तो होना चाहिए ही चाहिए। और यार लूट में आपको अच्छे से मैक्स लेवल का वेस्ट हेलमेट लेना पड़ेगा जिससे आप कोई भी एनिमी को मार पाओ। तो चलो हमारे सेकंड नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको हेडशॉट मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर तुमको ड्रैग हेडशॉट भी सीखना पड़ेगा, वन टैप भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर एनिमी को इजीली किल करना चाहते हो तो तुमको इजीली हेडशॉट मारना पड़ेगा, और तुम अगर हेडशॉट मारते हो तो तुम एनिमी को इजीली मार सकते हो, और अगर अच्छे से हेडशॉट मारना सीखना चाहते हो तो यार आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आपको वीडियो मिल जाएंगे, उनको देख लेना, आप उनको फॉलो करके इजीली हेडशॉट सीख जाओगे। तो जिनको भी हेडशॉट मारने में थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है तो वो लोग उन वीडियो को देखो, और देखो एनिमी को अगर एक भी हेडशॉट पड़ जाता है तो एनिमी को खत्म होना ही पड़ेगा। तो चलो हमारे तीन नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो एक बात बोलो तुम्हारा मूवमेंट स्पीड कैसा है, क्योंकि देखो तुम्हारा जो मूवमेंट स्पीड है वो अगर अच्छा होगा तो तुम्हारा जो एनिमी होगा वो तुमको ज्यादा एमो नहीं मार पाएगा, और प्लस वो हेडशॉट भी ज्यादा नहीं मार पाएगा, बट तुम्हारे इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब जो बंदा आपको स्पेक्टेटिंग कर रहा है तो उसका बहुत ज्यादा अच्छा गेम प्ले दिखाई दे रहा होगा, और देखो तुम्हारा कार्ड अच्छा मूवमेंट स्पीड होगा तो तुम कोई भी एनिमी को बहुत ही इजीली मार पाओगे, क्योंकि एनिमी तो तुमको ज्यादा एमो नहीं मार पाएगा, बट यार तुम तो मार पाओगे तो तुम मार देना। और देखो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ एकदम तगड़े वाला मूवमेंट स्पीड जरूरी है, मतलब ऐसा गेम प्ले होना चाहिए लाइक पीसी गेम प्ले इन फोन। तो देखो आप जितना अच्छा मूवमेंट स्पीड कर पाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, बट आपका अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा मूवमेंट स्पीड है तो बहुत ही
ही अच्छी बात। क्लोज रेंज फाइट पे आपका जो मूवमेंट स्पीड होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यार इसलिए आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो थोड़ा बहुत अच्छा कर लो। और यार मूवमेंट स्पीड कैसे अच्छा कर सकते हो इसके ऊपर भी एक वीडियो है, तो यार उसे भी देख लेना। तो चलो हमारे 4 नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बहुत सारे लोग करते हैं, दो एनिमी का फाइट हो रहा है वहाँ पे कूद जाते हैं, तो यार ओके आप थर्ड पार्टी कर सकते हो, बट यार वो लोग एकदम ही मिडिल पे चले जाते हैं। मतलब यार दो एनिमी फाइट कर रहे हैं और तुम उनके अंदर घुस जाओ, तो वो एनिमी अगर तुमको देख लेते हैं तो यार तुमको इजीली मार देंगे। इसलिए तुम अगर थर्ड पार्टी कर रहे हो तो तुमको दूर से थर्ड पार्टी करना है, और यार दोनों के फाइट के एकदम बीच पे नहीं जाना है। मतलब ये भी बंदा फायर कर रहा है और वो भी बंदा फायर कर रहा है, तो तुमको दो डायरेक्शन से एनिमी पेलेंगे, तो यार यहाँ पे तो तुम्हारा जो बचना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यार ये जो मिस्टेक है तुमको गलती से भी नहीं करना है। और यार आज के जो टिप्स एंड ट्रिक्स है यहाँ पे खत्म करते हैं, एंड आई होप आपको टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। तो यार ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताया हूँ उनको फॉलो करो और एक प्रो बन जाओ। तो यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब और पास में एक नोटिफिकेशन बेल मिलेगा उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दो, जिससे यार वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वैसे इसमें तुम्हारा ही भलाई है, क्योंकि यहाँ पर तुमको बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ वीडियो को कर दो लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर, और यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे मैं सॉल्व करने का पूरा ट्राई करता हूँ। तो यार आज का वीडियो यहाँ पे करते हैं खत्म, तो चलिए बाय बाय।